जी सीवन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजी आर्ट्स एंड डिज़ाइन की खूबसूरत नुमाइश, तालबात ने दिखाए अपने हाथ के जौहर। किसी ने की पेंटिंग, किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, किसी ने प्रिंट मेकिंग, तो कोई कैलीग्राफी में आगे निकल गया। किसी ने बनाए खौफनाक और खूबसूरत मास्क, तालबात ने किया सबको हैरान, सारे मेहमान और तालबात ने किया खूब इंजॉय। इतना टेक्निकल काम है और आप यहाँ देखें अभी तो वो पढ़ रहे हैं और इसमें मज़ीद उनकी रिफाइनिंग आएगी, तो बच्चों को इसमें और ज़्यादा एडमिशन लेना चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, तो बच्चों को इसमें जिसको समझते हैं कि ये कोई इतना बड़ा नहीं है, आमतौर पे हमारे लोगों का कंसेप्ट होता है कि बच्चे इंजीनियरिंग में जाएँ, मेडिकल में जाएँ, लेकिन आपने देखा है कि ये कितना अच्छा इनका एक कम्बाइंड डिस्प्ले है जिसके अंदर पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, मिनिएचर, ग्राफिक डिज़ाइन और फोटोग्राफी का डिस्प्ले है, बेसिकली स्कल्पचर का भी। इनफैक्ट बच्चों ने अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस के अंदर काम किया है और अपने अपने फील्ड के अंदर वो एक्सेल कर रहे हैं। हमारे ग्राफिक डिज़ाइन के फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। तालबात के फन पारों ने मेहमानों के दिल मोह लिए, आर्टिस्ट का फन बोलता है। इसको मॉडर्नाइज किया हुआ है और सेंट्रलाइजेशन और हर चीज़ का मतलब ध्यान रखते हुए हमने काम किया है, अपना शो करवाया। यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए डिस्प्ले, और दूसरे मतलब जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एग्जीबिशन करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, तो ज़रूर होना चाहिए ताकि बाकी लोग भी इसे देखें। इसी तरह ये तालबात मेहनत जारी रखें तो पाकिस्तान की नामवर आर्टिस्ट एक दिन ज़रूर बनेगी। कैमरामैन फहद इकबाल के साथ हमजा नदीम, 94 न्यूज़ फैसलाबाद। We'll be right back.